हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएसी की, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है, जो आपका ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोस्त इसकी बात करेंगे, इसमें आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त। और आपका जो फर्स्ट चैप्टर का नेम है वह फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर दोस्त काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्त वीडियो को जो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसे ही आने वाले जो वीडियो नोटिफिकेशन वो लगातार आपको मिलती रहे। दोस्त जिसकी PDF और नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। दोस्त वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आपका जो टॉपिक आता है दोस्त फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में आपका आता है रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन प्रशीतन, ठीक है। तो यही आपका फर्स्ट टॉपिक बनता है इससे। तो बात करते हैं आपका जो रेफ्रिजरेशन क्या है, हिंदी में बात करें तो इसे प्रशीतन बोलते हैं, ठीक है दोस्त। तो आपका क्या होता है प्रशीतन क्या होता है, ये भी आपकी क्या होती है, विज्ञान की ही एक शाखा है। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम निकाय का तापमान जो होता है आपका परिवेश के तापमान से कम बनाए रखते हैं, प्रशीतन कहलाता है। जो आपका रेफ्रिजरेशन होता है दोस्त, रेफ्रिजरेशन का कार्य सिर्फ इतना सा होता है कि जो होता है सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है ना, वो जो आपका सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या होता है, हमेशा कम बनाए रखना होता है। निकाय के तापमान से सराउंडिंग के तापमान को हमेशा कम बनाकर रखना ही आपका क्या कहलाता है दोस्त, प्रशीतन कहलाता है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन कहलाता है। तो देखिए, एक लाइन की डिफिनेशन कितने इजी तरीके से मैंने आपको बता दी, ठीक है दोस्त। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है देख लीजिए, और जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है वो आज इसी वीडियो में दोस्तों खत्म कर देंगे, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पर दिया गया हुआ है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो आपका बात करते हैं अब रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम की भी दोस्त हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, वह सभी अवयव जो निकाय का तापमान कम बनाए रखते हैं सम्मिलित रूप से रेफ्रिजरेशन निकाय कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है, आपके वो सभी अवयव या एलिमेंट्स जो भी हैं जो निकाय का तापमान कम बनाए रखने में हेल्प करते हैं या सम्मिलित रहते हैं, ठीक है, सम्मिलित रूप से आपके क्या कहलाते हैं, वही रेफ्रिजरेशन निकाय कहलाता है आपका, ठीक है। तो लगभग दोनों की डिफिनेशन बिल्कुल सेम मिलती है, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल आपका सब्जेक्ट है, और अगर आप मेरी डेली क्लासेस लेंगे ना तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है दोस्त। ये मान लीजिए आपका 10 से 15 दिन में अगर हो सकेगा तो इसको आपको पूरा जो सब्जेक्ट है पढ़ाकर आपको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है उसकी बात कर लेते हैं, दिया गया हुआ है रेफ्रिजरेशन प्रभाव को निम्न तीन विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्त आपका जो रेफ्रिजरेशन होता है इसे निम्न तीन विधियां जो इसकी होती है इसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपकी जो विधि होती है वो कौन सी होती है, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। सबसे फर्स्ट विधि आपकी जो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, ठोस के गलने से, ठीक है, जो हमारा रेफ्रिजरेशन प्रभाव है इसके हम ठोस के गलने से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आपकी जो विधि दे रहा है सब लिमेशन जो आपकी मेथड है, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड जो है, ठीक है, ठोस के सब्लिमेशन से इसे भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दे रहा है इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स, द्रव के वाष्पन से, ठीक है, द्रव के वाष्पन से। अब नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग दोस्त एसी, ठीक है, जो आपका एसी है, एसी कंडीशनिंग आपका क्या है हिंदी में बात करें तो आपका वातानुकूलन, ठीक है। अब इसकी बात करें तो देखिए, वातानुकूलन के अंतर्गत किसी स्थान वायु का तापमान आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, ठीक है, स्वच्छता व वायु गति आवश्यकताओं के अनुसार नियंत्रित किए जाते हैं। कहने का मतलब जो आपका एयर कंडीशनिंग है, एसी है, जो वातानुकूलन के अंतर्गत किसी स्थान या फिर वायु का जो तापमान है आर्द्रता स्वच्छता व वायु गति आवश्यकताओं के अनुसार नियंत्रित किए जाते हैं। तो आपका एक ऐसा स्थान जहाँ पर मान लीजिए आपका जो एयर कंडीशनिंग मतलब कि वातानुकूलन एसी लगी हुई है उसका जो आपका टेम्परेचर होता है वो क्या करते हैं आप अपने अनुसार उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यही है आपका एयर कंडीशनिंग, ठीक है। अभी इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग हमें नेक्स्ट वीडियो पर देकर बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो उसका फिर जो आंसर होगा मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो पर बता दूंगा, तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट पर जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। एयर कंडीशनिंग दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो आपके एयर कंडीशनिंग है दोस्त वो दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपका यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आपका जो है सुखद वातानुकूलन, ठीक है, फर्स्ट आपका है क्या, सुखद वातानुकूलन। सेकेंड है आपका
औद्योगिक वातानुकूलन, ठीक है, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, ठीक है, तो इसके दो उद्देश्य ही हैं। अब नेक्स्ट की बात करें आगे जो इसमें दिया गया हुआ है दोस्त। अब बात करते हैं दोस्त, जो आपकी एसी होती है उसमें कौन सी गैस होती है, तो आपकी जो दोस्त एसी होती है उसमें फ्रियॉन गैस पाई जाती है, ठीक है, तो आपकी जो एसी होती है दोस्त उसमें क्या होती है, फ्रियॉन गैस होती है। ये आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, नोट बनाकर मैंने इस वजह से लिख दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आपसे एग्जाम पर पूछा जाएगा, लेकिन कोई भी जैसे आपका टीचर वगैरह है वो पूछ सकते हैं आपसे। अब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब रेफ्रिजरेशन के दोस्त एप्लीकेशन क्या है उनकी बात करें हम लोग, तो सबसे पहले जो रेफ्रिजरेशन के एप्लीकेशन यहाँ पर दिए गए हैं कौन कौन से उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आपका जो है बर्फ के निर्माण में, इन आइस मेकिंग, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें खाद्य सामग्री के परिवहन में, जो एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन है इसका यूज मतलब जो है कहाँ कहाँ किया जाता है, आपका बर्फ के निर्माण में किया जाता है, खाद्य सामग्री के परिवहन में किया जाता है, ठीक है, और भी आपके इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनर पर किया जाता है आपका, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में आपका किया जाता है, मेडिकल में भी आपका किया जाता है, मेडिकल सर्जिकल किट में भी किया जाता है आपका, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी आपका इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्त। ऐसे ही आपका बहुत सारे हैं, धातु के निर्माण एवं उपचार पर भी किया जाता है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो ठीक है, इसमें कुछ सारे मैंने लिख दिए, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे की देख लेते हैं दोस्त, ये आपका जो चैप्टर है आज इसी वीडियो में मैं आपको बताकर पूरा खत्म कर दूंगा। और दोस्त कमेंट पर आप लोग हमें ये जरूर बताइए कि आप लोगों की जो ईसी या एनर्जी कंजर्वेशन आपका जो सब्जेक्ट है उसकी भी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाए या अभी नहीं कराई जाए, ठीक है, तो कमेंट पर इसका हमें आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं जो एलिमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं अवयव हैं उनकी बात अगर हम लोग कर लें, रेफ्रिजरेशन निकाय के अवयव, तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया ऊष्मा सिंक, जिसकी सहायता से वायु ठंडी होती है, जो आपका हीट सिंक होता है जिसकी सहायता से ही क्या होती है आपकी जो वायु है एयर है वो क्या होती है ठंडी होती है। नेक्स्ट दिया गया है माध्यम, जिसकी सहायता से ऊष्मा सिंक से बाहर निकल सके, ठीक है, माध्यम जिसकी सहायता से जो ऊष्मा है ऊष्मा सिंक से क्या होती है बाहर निकल सके। नेक्स्ट आपका दिया गया प्रशीतक, रेफ्रिजरेशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट दे रहा है ताप तथा दाब को कम करने के माध्यम, ठीक है, ताप तथा दाब को कम करने के माध्यम है ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है, तो आपके जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं दोस्त। इससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए आप लोगों ने एसी तो सबने देखी होगी, ठीक है, कई लोगों को घर पे एसी लगी भी होगी रूम पर, तो आप ये हमें बताइए एसी को हमेशा ऊपर ही क्यों लगाया जाता है, आपने रूम पर देखा होगा या फिर कहीं पर भी देखा होगा, तो एसी को क्या हमेशा ऊपर ही लगाया जाता है, एसी को नीचे क्यों नहीं लगाया जाता, ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इसका आप लोग हमें कमेंट पर आंसर जरूर दीजिएगा। जैसे आप लोगों के जैसे कूलर वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये आपके नीचे रखे होते हैं, ठीक है, जो आपका एसी है वो हमेशा उसको ऊपर क्यों लगाया जाता है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बताएंगे, ठीक है। देखिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपका क्या है, यह विभिन्न प्रकार के अंगों के समन्वय, ठीक है, से बना होता है, जिसके द्वारा विभिन्न ऊष्मागत की गुणधर्म को नियंत्रित करके निकाय को आरामदायक बनाते हैं। कहने का मतलब जो आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है यह क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार के समन्वय, मतलब जो आपके इसके विभिन्न प्रकार के अंग हैं उनको मिलाकर से बना होता है, जिसके द्वारा विभिन्न ऊष्मागत की जो इसके गुणधर्म होते हैं थर्मोडायनेमिक्स जो प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी को नियंत्रित करने के लिए निकाय को आरामदायक बनाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज क्या हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक दोस्त, जो मैंने आपको जो बताया दोस्त उसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, ठीक है, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं, ठीक है, सबसे पहले आपकी जो दी गई है तापमान दिया गया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट आपकी है आर्द्रता, उसके बाद दी गई आणविक गति, जो ये क्या है आपकी, ये सब आपकी थर्मोडायनेमिक्स क्या है आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ऊष्मागत की गुणधर्म है, वातावरणीय शुद्धता। अब नेक्स्ट की बात करें दोस्त हम लोग अगर एलिमेंट्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, अब जो आपके एलिमेंट्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उनकी बात कर लेते हैं एयर कंडीशनर निकाय के अवयव, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके देख लीजिए, आपका फैन हो गया, फिल्टर हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेशन प्लांट हो गया, और भी आपके ऐसे ही है कंट्रोल आपका सिस्टम हो गया, ठीक है, हीटर हो गया,
ये सब आपके क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एयर कंडीशन सिस्टम। ठीक है, तो इतना आपको दोस्त समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है, बिल्कुल इसमें कुछ भी आपको एक बार आप पढ़ेंगे आपको बिल्कुल से याद होता चला जाएगा। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट की बात करें हम लोग, इम्पॉर्टेंट है ये वाला आपका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन आपका क्या होता है, अब इसकी बात अगर हम लोग कर लें, रेफ्रिजरेशन की इकाई, ठीक है सीधी बोले तो रेफ्रिजरेशन को प्रायोगिक रूप से, ठीक है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन या टी आर रेफ्रिजरेशन टन में मापते हैं। तो जो आपका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेशन की जो प्रायोगिक रूप से रेफ्रिजरेशन को हम लोग किस में मापते हैं, रेफ्रिजरेशन टन में मापते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन या फिर हम लोग रेफ्रिजरेशन टन में मापते हैं। इसमें यही पूछा गया था आपसे रेफ्रिजरेशन की इकाई क्या है आपकी। ठीक है, अब दोस्त हम लोग बात करते हैं आपका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। ठीक है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यह उत्पन्न वांछित रेफ्रिजरेशन प्रभाव की मात्रा होती है। ठीक है, जो यह आपकी क्या होती है, उत्पन्न वांछित रेफ्रिजरेशन जो आपका होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की क्या होती है, मात्रा होती है जिसके द्वारा एक टन, जिसके द्वारा क्या, एक टन, एक टन का मतलब आपका 1000 किलोग्राम बर्फ को 24 घंटे के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामान्य अवस्था में पिघलाया जाता है। कहने का मतलब आपका जो 1 टन रेफ्रिजरेशन होता है, 1000 किलोग्राम बर्फ को 24 घंटे में पिघलने के लिए जितना समय लगेगा वो आपका क्या कहलाएगा दोस्त, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाएगा। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर बोले तो, ये अपनी भाषा में मैंने आपको बता दिया, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो फिर वीडियो को लाइक करना दोस्त बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब आगे की बात कर लेते हैं हम लोग, देखिए अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं दोस्त, हम जानते हैं कि जो आपकी लेटेंट हीट ऑफ आइस, जो आपकी बर्फ होती है उसमें आपकी कौन सी हीट होती है, आपकी लेटेंट हीट होती है। ठीक है, तो लेटेंट हीट की क्या होती है, लेटेंट हीट बराबर क्या होता है, 335 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो अब एक टी आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 टन रेफ्रिजरेशन बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1000 × 335 किलो जूल, ठीक है, प्रति इन 24 आवर्स के लिए, जो भी मैंने आपको डिफिनेशन बताई उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है दोस्त ये। ठीक है, तो जब यहाँ पर हो जाएगा 1 TR बराबर 1000 × 335 किलो जूल प्रति इन 24 आवर्स के लिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 1 TR बराबर, देखिए 1000 × 335 आपका ऐसे ही लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग अभी किसके लिए निकाल रहे थे दोस्त, 24 घंटे के लिए निकाल रहे थे, तो 24 से इसमें क्या हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग किसके लिए निकालेंगे, फिर हम लोग इसमें मिनट के लिए भी निकालेंगे, तो यहाँ पर किससे भाग हो जाएगा, 60 से। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 TR बराबर, इसको जब हम लोग पूरा दोस्त सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 232.6 किलो जूल प्रति मिनट। ठीक है, पहले हमने 24 हावर्स के लिए निकाला, एक दिन के लिए निकाला, फिर हम लोग क्या करेंगे, मिनट के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट इसकी जो हो जाएगी, 1 TR बराबर 232.6 किलो जूल प्रति मिनट। दोस्त जब अभी पिछले ईयर आपका लोगों का जब RSC का एग्जाम हुआ था, तब क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए थे, तो उस पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 TR बराबर। ठीक है, तो क्या होगी आपकी, 232.6 किलो जूल प्रति मिनट। ठीक है, ये आपका क्या है, ये इतना होता है। अब ये अगर बात करें तो प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकली आपकी इतनी पॉसिबल होती है, 1 TR बराबर 210 किलो जूल प्रति मिनट, ये आपकी क्या होती है, प्रैक्टिकली होती है। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिकल के द्वारा ही मिलती है, 210 किलो जूल प्रति मिनट बराबर। ठीक है, और अगर इसकी हम लोग यूनिट चेंज करें तो क्या हो जाएगी, 3.5 किलोवाट। ठीक है, फिर से अगर इसकी यूनिट चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.5 किलो जूल प्रति सेकेंड। तो आप इसको इतनी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट चेंज करने पर इसकी जो संख्याएं हैं वो भी चेंज होंगी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत पालिएगा, क्योंकि यूनिट चेंज करने पर इतना इतना आपका हो सकता है, जितना भी हो सकता है मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्त हम लोग, आपका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। देखिए, यह कुल उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा होती है, जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, रेफ्रिजरेशन प्रभाव है, ये क्या है, यह कुल उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा होती है जिसके द्वारा निकाय में शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, यह कुल उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा होती है
जिसके द्वारा निकाय में शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उसे टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन से ज्ञात किया जाता है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला सीओपी इंटू वर्क डन, ठीक है। या फिर अगर सीओपी बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, ठीक है। अब नेक्स्ट की दोस्त हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो आपका दिया गया है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है जो सीओपी है वो बताना है आपको, ठीक है। रेफ्रिजरेटर की आपको सीओपी बताना है, तो बात करते हैं इसको देख लेते हैं। यह कुल उस कुल उत्पादित रेफ्रिजरेटर प्रभाव एवं रेफ्रिजरेटर कार्य की मात्राओं का अनुपात होता है। तो जो आपका जो सीओपी आप रेफ्रिजरेटर है वो क्या होता है, कहने का मतलब जितनी भी कुल उत्पादित रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर प्रभाव एवं रेफ्रिजरेटर जो आपका कार्य है की मात्रा का अनुपात होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सीओपी बराबर आर एन अपॉन डब्लू रेफ्रिजरेटर इफेक्ट अपॉन रेफ्रिजरेटर वर्क, ठीक है। अब बात करते हैं इसे हम सैद्धांतिक रूप से निष्पादन गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो सीओपी की वैल्यू है ना दोस्त, वो क्या होगी, हमेशा एक से अधिक होगी रेफ्रिजरेटर के लिए, एक से कम नहीं होगी, ठीक है। माइनस में हो सकती है आपकी, लेकिन एक से कम नहीं होगी, ठीक है, जो सीओपी की वैल्यू होगी। तो इसको आप लोग एक पॉइंट बनाकर लिख भी सकते हैं, इससे आपको एक बेनिफिट भी होने वाला है जब आप लोग आगे इसमें न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर एन का मतलब है दोस्त वो क्या है, आपका नेट रेफ्रिजरेटिंग प्रभाव, और डब्लू तो आपको पता ही है वर्क यानी कि कार्य, ठीक है। तो सीओपी बराबर आपका क्या हो जाएगा, नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, यही इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर जो दिया गया रिलेटिव सीओपी आपकी क्या होगी, जो आपकी रिलेटिव सीओपी होगी वो होगा एक्चुअल सीओपी अपॉन थ्योरेटिकल सीओपी। तो रिलेटिव सीओपी बराबर आपका क्या होगा, एक्चुअल सीओपी अपॉन थ्योरेटिकल सीओपी, ठीक है दोस्त। दोस्त नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, अब उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया निष्पादन गुणांक एवं दक्षता में अंतर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन बोल्ड एग्जांपल, ये भी 101% पूछा जाएगा इस चैप्टर से। सीओपी हीट पंप की सीओपी एवं रेफ्रिजरेटर की जो आपकी सीओपी है उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं जो आपका यहाँ पर किस चीज़ की सीओपी दी गई हुई है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए डिफरेंस बिटवीन सीओपी और आपको किसमें निकालना है, इफिशियंसी में, ठीक है। निष्पादन गुणांक एवं दक्षता में आपको अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए जो आपके निष्पादन गुणांक दक्षता का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें दोस्त, यहाँ पर देखिए आपके तीन डायग्राम बने हुए हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपका देखिए ये हीट इंजन का डायग्राम है, ये आपका रेफ्रिजरेटर का डायग्राम है, और ये हीट पंप का डायग्राम। तो इनमें से दो डायग्राम आपके लिए पुराने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हीट इंजन का डायग्राम मैंने आपको थर्मल इंजीनियरिंग में बताया था, ठीक है, और जो आपका हीट पंप का डायग्राम ये भी मैंने आपको थर्मल इंजीनियरिंग में दोस्त बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपके लिए रेफ्रिजरेटर का जो डायग्राम है सिर्फ वही एक नया डायग्राम है, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर समझने के लिए ऊष्मा इंजन, ऊष्मा पंप एवं रेफ्रिजरेटर को आरेख खींचा गया यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपका हीट इंजन, ठीक है, हीट इंजन और जो आपका हीट पंप है और हीट जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया, इसका ये टेम्परेचर क्या है, T1 है, ठीक है। ये इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। यहाँ पर इसका टेम्परेचर T2 है। ये इसकी जो हीट दी जा रही है Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका वर्क डन हमें ज्ञात करना है, और ये क्या है आपका हीट इंजन है। ये वाला जो हीट सोर्स है, ठीक है, ये ऊष्मा का क्या है, भंडारण होता है, हीट सोर्स वाला मैंने आपको बता रखा है। जो आपका हीट सिंक है वो क्या है, इसमें जो होती है ऊष्मा जो बची हुई होती है वही होती है, ठीक है। तो जो आपको मैंने आपको बताया था जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो किससे किससे होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जो ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहां से होता है। तो जो आपका जो हीट इंजन है, देखिए यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर वाला कौन सा है, आपका हीट सोर्स है T2, ठीक है, और ये हीट का क्या आ रही है, Q2 है और ये Q1 है। तो दोस्त इसका जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, WE बराबर Q2 माइनस Q1, W बराबर इतना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो बात करें अगर रेफ्रिजरेटर की दोस्त बात करें, यहाँ पर ये रेफ्रिजरेटर का डायग्राम दिया गया हुआ है, इसकी अगर बात करें हम लोग, तो रेफ्रिजरेटर में ये आपका क्या है, हीट सोर्स है ऊपर वाला,
ये आपका हीट सिंक है, ये आपका क्या है, इसका टेम्परेचर हाई होता है T2 वाले का और T1 का टेम्परेचर लो है। लेकिन क्या होगा, एरो देखिए, यहाँ पर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर ट्रांसफॉर्मेशन हीट का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको Q1 हीट दी गई थी, यहाँ पर इसको Q2 हीट दी गई थी, ठीक है। तो इसका जो वर्क डन होगा रेफ्रिजरेटर के लिए वो क्या हो जाएगा, Q2 बराबर Q1 प्लस W, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका हीट पंप के लिए होगा वो क्या होगा, ये आपका हीट सोर्स है और ये आपका क्या है, हीट पंप है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो टम्प जो इसका हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब इसका में भी आपका जो होगा वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर होगा। कितना आपको तो समझ में आ गया हीट पंप आपका, ठीक है। ये सारे आपको डायग्राम समझ में आ गए, ठीक है। तो अब इनके वन बाय वन वर्क डन निकाल लेते हैं, ठीक है। जो वर्क डन इनका आएगा उसके बाद इनमें जो रिलेशन है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की जो COP में वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ दोस्त, एक बात और, जो आपका हीट पंप का जो COP होता है वो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के COP के व्युत्क्रम होता है, ठीक है। इतना आप जरूर याद रखिएगा, इससे आपका कई सारे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर नेट जो आपका नेट रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पर जो आपका दिया गया है, ये हीट इंजन की COP यहाँ पर क्या होगी, सबसे पहले हीट इंजन बराबर आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है, निर्गत कार्य अपॉन प्रदाय ऊष्मा। तो क्या हो जाएगा, NE बराबर Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। अब इसी तरह अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर की COP की बात करें तो क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन रेफ्रिजरेशन वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1, ठीक है दोस्त। ये क्या है, हमें रेफ्रिजरेटर की हमें COP मिल गई। अब हम लोग बात करें अगर हीट पंप की COP क्या होगी, तो हीट पंप की COP के लिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिया गया उत्पन्न वांछित प्रभाव अपॉन कार्य, ठीक है। तो ये क्या, हीट पंप की COP है, Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1। इतना आपको दोस्त समझ में आ गया होगा। अब ये आपका जो क्वेश्चन बनता है, ये क्या है, COP, हीट पंप की COP एवं रेफ्रिजरेटर की जो COP है उसमें आपको रिलेशन बताना है, संबंध बताना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ लोग ऐसे ही बता देते हैं, उसको समझाते नहीं, मैं आपको पूरा समझा कर बताऊँगा। तो अभी हमने आपको बताया कि आपकी जो हीट पंप की COP है वो क्या आई थी, यही आई थी ना, COP हीट पंप की जो है क्या आई थी आपकी, Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1, ठीक है। तो आपकी जो हीट पंप की जो COP आई थी वो आई, ये आई थी। अगर बात करें रेफ्रिजरेटर की जो आपकी COP आई थी वो क्या आई थी, Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 आई थी, ठीक है। अब लोग इसको सॉल्व नहीं करते, इसको इतना ऐसे ही डायरेक्ट बता देते हैं कि इसकी जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, COP हीट पंप की COP बराबर रेफ्रिजरेटर की COP प्लस 1, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना क्या होगा, इसकी जब दोनों की आपको COP पता चल गई है तो आप इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2-1 डालेंगे, ठीक है। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 डालेंगे ऊपर वाले को, और इसको समीकरण नंबर 2 डालेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, COP यहाँ पर हीट पंप की COP हो जाएगी, ये माइनस COP आपकी किस चीज़ की हो जाएगी, ये रेफ्रिजरेटर की COP हो जाएगी, ठीक है। जब इधर आप इसको घटाएंगे तो इसके साथ इसको जब आपको घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दोस्त आएगा ये Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1, ठीक है। इस बीच माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 हो जाएगा, ठीक है, Q1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस लगा के। अब जब इसका और इसका और इसका जब आप LCM लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए इसका इसका जब आप LCM लेंगे तो आ जाएगा आपका Q2 माइनस का Q1 आ जाएगा, ऊपर भी आपका क्या आ जाएगा, Q2 माइनस का Q1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर और नीचे दोनों आपको क्या दिख रहा है, दोनों देखिए एकदम सेम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कट कट जाएगा। तो इधर आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा आपका, ये 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इस इतना इतना आपका कट जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा COP हीट पंप की COP, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये COP किस चीज़ की हो जाएगी, ये आपकी हीट पंप की COP माइनस ये आपका COP किस चीज़ की हो जाएगी दोस्त, ये आपकी रेफ्रिजरेटर की COP बराबर इधर 1 बचेगा आपका जब वो आपस में कट जाएगा, ठीक है। जो आपका रेफ्रिजरेटर की COP है इधर माइनस में उधर जाएगा तो किस में जाएगा दोस्त, प्लस में जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सीओपी, हीट पंप की सीओपी बराबर ये क्या हो जाएगा आपका सीओपी, रेफ्रिजरेटर की सीओपी आर प्लस वन। यही देखिए यहाँ पर प्रूफ करके लाना था जो कि हम प्रूफ करके ले आए, ठीक है। जो आपकी हीट पंप की सीओपी होगी उससे जो क्या है रेफ्रिजरेटर की सीओपी होगी दोस्त वो हमेशा क्या होगी वन प्लस होगी, अधिक होगी एक, ठीक है। ये इसका रिलेशन था, ठीक है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद आपका जो चैप्टर है पूरा फिनिश होता है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ आपका जो रेफ्रिजरेशन का था पूरा चैप्टर आपका क्या होता है दोस्त खत्म होता है फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब बात करते हैं जो आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसमें मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इसकी जो जितनी भी सारी दोस्त विधियां दी गई हुई हैं ये सारे आपके आगे जो दिए गए चैप्टर, ये सारे इनकी जो विधियां आगे चैप्टर वाइज आपको बताए गए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मुख्य निम्न विधियां होती हैं, ठीक है, आइस रेफ्रिजरेशन, एयर रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो जो आपका ये जितने भी बताए गए ये सारे आगे इनके चैप्टर दिए गए, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन इसका भी पूरा आपको एक चैप्टर मिलेगा, एयर रेफ्रिजरेशन का आपको एक चैप्टर मिलेगा, ठीक है। वाष्प एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, ठीक है, वाष्प और शोषण रेफ्रिजरेशन इसका भी आपको आगे पूरा एक चैप्टर मिलने वाला है दोस्त, ठीक है। अब आपको कुछ बताएं विशेष रेफ्रिजरेशन ये क्या होते हैं इनको देख लीजिए, ठीक है। तो इनके जो है आपके कोई भी इनका चैप्टर वगैरह नहीं है, जितने ऊपर थे आपके उनका एक अलग अलग से पूरा चैप्टर बनाया गया है। मिश्रित रेफ्रिजरेशन हो गया, वॉल्टेक्स नली रेफ्रिजरेशन हो गया, तापीय रेफ्रिजरेशन हो गया, ठीक है, तापीय विद्युत रेफ्रिजरेशन, वाष्प जेट रेफ्रिजरेशन, ठीक है दोस्तों। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा हमने आपको पढ़ाकर बता दिया और खत्म कर दिया, ठीक है दोस्त। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसे ही आने वाली जो वीडियो नोटिफिकेशन वो लगातार आपको मिलती रहे। और कमेंट पर जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर हमें जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इसी की जो आपकी क्लासेस है वो स्टार्ट की जाए या फिर अभी नहीं की जाए। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो पर, इसकी पीडीएफ और नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा।